हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया कोर्स जो है बीएससी फिजिक्स वाले बच्चों के लिए। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी के सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में आपके पास एक पेपर आता है ऑप्टिक्स का, जिसमें आप इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन के बारे में पढ़ते हो। और यहाँ पे बच्चों, अब जो मैं लेक्चर्स बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ इंटरफेरेंस से रिलेटेड। ये बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हम, एक बार वो बता देता हूँ। तो दोस्तों, इंटरफेरेंस बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पढ़ेंगे, तो बीएससी में हम क्या क्या पढ़ते हैं इंटरफेरेंस के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम सिंपल बेसिक पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस होती क्या है। कंसेप्ट को बिल्कुल बेस से उठाया जाएगा। इंटरफेरेंस के बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, तो आपको अच्छे से बारीकी से ही समझाया जाएगा, क्योंकि अगर बेस अच्छा होगा तो बिल्डिंग उस पर उतनी ही स्ट्रांग और अच्छी बनेगी। तो आपका बेस पहले क्लियर किया जाएगा कि इंटरफेरेंस क्या है, कैसे होता है, ठीक है। और सबसे पहले आपको पता है इंटरफेरेंस का जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसने किया था, यंग्स ने। तो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से बताया जाएगा बच्चों। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कई तरह के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे कि कंडीशंस क्या क्या हैं। एक तो इसमें हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ही पढ़ेंगे कि क्या होता है, और इसमें हम पढ़ेंगे कंडीशंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। इसके अलावा बच्चों, हम इसमें पढ़ेंगे फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन, कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है, उसका एक्सप्रेशन। ये सारा डिटेल में अच्छे से आपको बताया जाएगा। थर्ड नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो आप लोगों के लिए नया होगा जो बीएससी के बच्चे हैं, क्योंकि इतना तो आपने 12th में पढ़ा हुआ है। अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा इंटरफेरेंस बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। क्या पढ़ेंगे हम, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, और इस चैप्टर में इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में दो तरह के हम मेथड्स डिस्कस करेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे फ्रेसनल्स बाई प्रिज्म, ठीक है, एक तो हम ये पढ़ेंगे, और दूसरा जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा लॉयड्स मिरर। तो ये फर्स्ट चैप्टर में कवर होगा आपका ये सभी टॉपिक्स। इसके बाद आपके पास सेकंड चैप्टर होगा, और वहां पे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। और यहां पे बच्चों हम वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जहां पे हम इंटरफेरेंस की फिनोमिना को एग्जीक्यूट करते हैं एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके। जब कराया जाएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है ये टॉपिक्स, ठीक है ना, लेकिन जब पढ़ोगे तो हलवा लगने वाला है सब। बिल्कुल आसान टॉपिक है बच्चों। और इसमें हम कब पढ़ेंगे, क्या क्या, कौन कौन से मेथड्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, हम बेसिकली न्यूटन्स रिंग्स को के बारे में पढ़ेंगे, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे न्यूटन्स रिंग्स के बारे में, हम पढ़ेंगे माइकलसन के इंटरफेरोमीटर के बारे में, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। तो ये होने वाला है सिलेबस बीएससी फिजिक्स का इंटरफेरेंस का। तो एक ओवरव्यू मैंने अभी आप लोगों को दोस्तों दिया है, ठीक। अब शुरू करते हैं टॉपिक वाइज। कुछ टॉपिक्स पे तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मैं उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। जैसे कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि दोस्तों ये क्लास 12th में भी है आपके पास, और इसके ऊपर मैंने बहुत बेहतरीन 3 वीडियोस बनाई हुई हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ ये दोबारा से वीडियो में नहीं समझाने वाला। इसकी जो वीडियो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, इसकी कंडीशंस, फ्रिंज विड्थ, इनका जो लिंक है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले वो ज़रूर देखें, उसके बाद आप लोग
नेक्स्ट के टॉपिक्स की वीडियोस देखना शुरू करें। तो पहले एक बार आपको समझा देता हूँ कि इंटरफेरेंस की ये ब्यूटीफुल फिनोमिना है क्या। तो बीएससी में आप पढ़ने जा रहे हो ये इंटरफेरेंस, वैसे तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है, डेफिनेशन सबको पता है इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस क्या होती है बच्चों? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है ना, व्हेन टू लाइट वेव्स सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। पहली बात तो आपको ये लेके चलना है कि जब हम इंटरफेरेंस स्टडी करेंगे तो हम लाइट को एज ए वेव ट्रीट करेंगे। 12th में आपने पढ़ा है कि लाइट की ड्यूअल नेचर होती है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। जब भी हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ये सब स्टडी करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि लाइट एक वेव है। तो इंटरफेरेंस को स्टडी करते टाइम बच्चों हम लाइट को एज ए वेव ट्रीट करेंगे। अब इंटरफेरेंस को ना बिल्कुल बेसिक इसका समझने के लिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज दोस्तों आपके पास एक सोर्स है एस। अब ये जो सोर्स है इससे जो लाइट वेव्स निकलेंगी वो हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म निकलेंगी। इस वजह से अगर आप इस सोर्स के सामने कहीं पर स्क्रीन रख देते हो तो उस स्क्रीन पे जहां भी लाइट पड़ेगी पूरी की पूरी लाइट यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की होगी, ठीक है, पूरी की पूरी लाइट क्या होगी? यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की होगी। लेकिन अगर आप किसी तरह से कोई एक और सोर्स ले लो, मतलब एक सोर्स तो हो गया S1 और एक सोर्स हो गया S2, ये हमारी स्क्रीन है, कि अगर आप कुछ ऐसा करो कि आप दो सोर्स अरेंज कर लो सच दैट कि ये दो सोर्स कैसे सोर्स हो? कोहरेंट सोर्स। कैसे सोर्स हो? कोहरेंट सोर्स हो। कोहरेंट सोर्स के बारे में आगे की वीडियोस में आप डिटेल में पढ़ोगे। कोहरेंट सोर्स किन्हें बोलते हैं? ऐसे सोर्स जिनका पेरेंट सोर्स सेम हो, मतलब ऐसे सोर्स जिनको किसी सिंगल सोर्स से प्रोड्यूस किया गया हो, या आप कह सकते हो कि कोहरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जिनसे एक तो सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रिक्वेंसी की लाइट निकलती है, सेकेंडली ऐसे सोर्सेज जिनसे जो लाइट वेव्स निकल रही हैं वो सेम फेज में हैं या उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, उन्हें बोलते हैं कोहरेंट सोर्सेज। वीडियो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां आपको डिटेल में सब पता लगने वाला है, ठीक है। तो अगर हम दो सोर्सेज ले लें सच दैट ये कोहरेंट सोर्सेज हैं, तो क्या होगा? सोर्स S1 से भी लाइट वेव्स आएंगी, सोर्स S2 से भी लाइट वेव्स आएंगी, और वो एक दूसरे पे क्या करेंगी दोस्तों? सुपर इम्पोज करेंगी। और जब वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेंगी तो हमारी जो लाइट है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लाइट की जो एनर्जी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पहले क्या होता था कि जब सिंगल सोर्स होता था तो हर जगह हमें कैसी लाइट मिलती थी? यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी पहुंचती थी, तो पूरी दीवार पे ब्राइटनेस होती थी। लेकिन अब क्या होगा, कुछ पॉइंट्स पे तो हमें लाइट मिलेगी, कुछ पॉइंट्स पे हमें लाइट नहीं मिलेगी, तो हमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स देखने को मिलेंगे जिन्हें बोला जाता है फ्रिंजेस। अब ऐसा क्यों हुआ? एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाने से, कि पहले लाइट एनर्जी पूरी की पूरी यूनिफॉर्मली गिर रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है देखो, यहां पे तो लाइट गिर रही है, यहां नहीं गिर रही, यहां गिर रही है, यहां नहीं गिर रही, मतलब यहां पे तो जो लाइट गिरनी चाहिए थी उल्टा वो जहां ब्राइट है। मतलब बेसिकली क्या होगा दोस्तों, कि पहले लाइट यूनिफॉर्मली गिरती थी पूरी स्क्रीन पे, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, यहां नहीं गिरी, यहां पे गिरी, यहां नहीं गिरी, यहां गिरी, यहां नहीं गिरी, यहां गिरी। तो यहां कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी भी होल्ड करता है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी यहां से, कि जहां हमें डार्कनेस मिली है यहां लाइट एनर्जी खत्म हो गई है, और जहां ब्राइटनेस मिली है यहां पे लाइट एनर्जी है। यहां कंजर्वेशन लॉ यूज हो रही है, यहां लाइट एनर्जी खत्म होने का मतलब कि यहां पे जो लाइट आनी थी वो बेसिकली कहां पहुंच चुकी है? जहां ब्राइट बैंड्स मिल रहे हैं वहां हमें मिल रही है, ठीक है ना। तो यहां कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी बेसिकली लग रहा है। अगर आप अभी भी देखो तो टोटल लाइट एनर्जी इस टाइम पे इंटरफेरेंस से पहले, इंटरफेरेंस के बाद, और टोटल लाइट एनर्जी इंटरफेरेंस से पहले, दोनों क्या होनी चाहिए आपस में? अमाउंट में सेम होनी चाहिए, जस्ट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है। जब सिंगल सोर्स होता था तो पूरी की पूरी हमें यहाँ पे क्या मिलती थी? ब्राइटनेस मिलती थी। लेकिन जब दो सोर्स यूज किए हैं तो इन्होंने इंटरफेरेंस किया जिससे लाइट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, कहीं पे ब्राइट मिल गई, कहीं पे डार्कनेस मिल गई, ठीक है ना। तो ये होता है इंटरफेरेंस। ये बिल्कुल एक बेसिक सा ओवरव्यू आपको दिया है। तो अब मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ बच्चों। अब जैसा मैंने बताया कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहले इंटरफेरेंस क्या होती है, फिर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन। इन टॉपिक्स पे ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन वीडियोस बनी पड़ी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग अभी जाएं,
तो सबसे पहले तो आप यही काम करें कि लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उनको क्लिक करें वन बाय वन, वहां से आप वीडियोस को देखो। उसके बाद आप आना वापस, आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे एक और दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस प्लेलिस्ट के लिंक को जब आप ओपन करोगे वहां आपको सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियोस मिलेंगी। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा वो फ्रेशनल्स बाय प्रिज्म पे होगी, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी उसके ऊपर कोई अभी वीडियो मैंने नहीं बनाई है। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा। सभी बच्चे अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, तीन लेक्चर्स की सीरीज मतलब तीन लेक्चर्स के लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और फ्रिंज विड्थ। जो पहला लेक्चर है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड पहला लेक्चर है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, उसमें बच्चों मैंने पहले बिल्कुल डिटेल में बताया है, प्यार से बहुत अच्छे से समझाया है कि इंटरफेरेंस क्या होती है। उसके बाद यंग्स का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है सब, बिल्कुल बारीकी से उठाया है कि इंटरफेरेंस है क्या, उसके बाद सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो जल्दी से वीडियो देखें और उन वीडियोस पे लाइक और कमेंट ज़रूर करें आपको कैसी लगी वो वीडियोस। तो कितने बच्चे बीएससी थर्ड सेम में है इस टाइम और ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे एक स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो जाए और मैं और लेक्चर्स डिलीवर कर पाऊँ इस टॉपिक से रिलेटेड। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।